की ओर, जहां खबर बलरामपुर से है, जहां पर बलरामपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ईडी की दबिश। बलरामपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ईडी के द्वारा दबिश दी गई। बंद कमरे में 12 घंटे तक चली पूछताछ। कलेक्ट्रेट में ईडी की दबिश, 12 घंटे पूछताछ। सहायक खनिज अधिकारी से 11 बजे तक चली पूछताछ। ईडी की 3 सदस्यीय टीम दस्तावेजों का बारीकी से कर रही जांच। बलरामपुर कलेक्ट्रेट पर में ईडी के द्वारा ये दबिश दी गई है। तो बलरामपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ईडी के द्वारा दी गई दबिश, वहीं पर बंद कमरे में 12 घंटे तक पूछताछ की गई। सहायक खनिज अधिकारी से 11 बजे तक ये पूछताछ चली है। ईडी की 3 सदस्यीय टीम दस्तावेजों का बारीकी से जांच कर रही है। तो अब ये ईडी की बड़ी कार्रवाई, जहां पर बलरामपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर ईडी के द्वारा दबिश दी गई और वहीं पर बंद कमरे में 12 घंटे तक पूछताछ की गई है। 12 घंटे तक पूछताछ का मामला सामने आया। सहायक खनिज अधिकारी से की गई 11 बजे तक ये पूछताछ। तो आपको बता दें कि ईडी की 3 सदस्यीय टीम वहां पहुंची थी, जहां पर दस्तावेजों का बारीकी से अब जांच भी की जा रही। तो ईडी की ये बड़ी कार्रवाई, बलरामपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी ईडी की बड़ी कार्रवाई, जहां पर कार्रवाई करते हुए ईडी पहुंची और वहां पर 12 घंटे तक आपको बता दें कि पूछताछ का मामला सामने आया है। करीब 11 बजे तक ये पूछताछ चली है। ईडी की 3 सदस्यीय टीम पहुंची, जहां पर दस्तावेजों का बारीकी से कर रही जांच। ये बलरामपुर से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ईडी की दबिश देने का मामला सामने आया है। तो अब ईडी के द्वारा बलरामपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में दबिश दी गई। ईडी के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर बलरामपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ये दबिश दी गई है, जहां पहुंचकर 12 घंटे तक पूछताछ की गई। सहायक खनिज अधिकारी से 12 घंटे तक पूछताछ की गई है और वहीं पर जो दस्तावेज मिले हैं उनकी भी बारीकी से की जा रही जांच। जांच में कई बातें निकलकर सामने आ सकती हैं और ईडी के द्वारा ये छापेमारी की गई, जहां पर ईडी पहुंची और ईडी के द्वारा छानबीन की जा रही है और छानबीन करने के साथ पूछताछ भी की गई। तो इस पर हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हैं। कुलेश्वर, ये जो मामला आज सामने आया, जहां पर अब ईडी के द्वारा छापेमारी की गई है कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जहां पर पहुंचकर उनके द्वारा दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं और पूछताछ भी की जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी मैम, ईडी की कार्रवाई जारी है। इसमें इससे पहले भी खनिज अवधेशबारी रायगढ़ में पदस्थ थे, इससे पहले भी ईडी के छापा हुआ था इनके ऊपर। लगातार छत्तीसगढ़ में माफियाओं पर सिकंदर कसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बड़े खनिज माफियाओं पर श्रीकांत तिवारी जैसे रायगढ़ कलेक्टर, रानू साहू, समीर बिश्वई कलेक्टर, इसके बाद बलरामपुर में भी छापा मारी कार्रवाई जारी है। जी, ये अहम जानकारी के लिए धन्यवाद कुलेश्वर। तो आपको बता दें कि ईडी के द्वारा ये छापामारी की गई, जहां पर पूछताछ की गई, जहां पर 12 घंटे तक ये पूछताछ की गई है, वहीं पर अभी भी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है।